रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करने के बाद रोजेदारों ने अतीक अहमद जिंदाबाद और अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए, जिसे लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अपराधियों और आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन कभी भी आतंकवादी और उग्रवादी देशभक्त नहीं हो सकते। जो लोग नारे लगवा रहे हैं वह आतंकवादियों के परोपकारी हैं। यह लोग सवाल खड़े करते हैं कि पुलिस कस्टडी में अपराधियों की हत्या हो जाती है, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तब ये लोग कहाँ थे? अंदर आज जिस तरह से आतंकवादियों अपराधियों उग्रवादियों का शरणस्थली बना रहा है, ये सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। आज आतंकवादी अपराधी उग्रवादी कभी शहीद नहीं हो सकता। शहीद वो है जो राष्ट्र के हित में समाज के हित में काम कर करके अपराधियों के गोलियों का शिकार जो रहा है वो शहीद है। और जो लोग इस तरह के नारा लगवा रहे हैं और जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में कैसे अपराधियों की हत्या हुई, उन कायरों से पूछना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पुलिस के कस्टडी में कैसे मारा गया? उस समय संविधान की हत्या नहीं हुई थी और आज अपराधी मारा जाता है तो कलेजा फट रहा है और अपराधियों को शहीद का दर्जा देना चाहते हैं। धिक्कार है इसी सरकार को। इस सरकार का पतन सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। जिसका आका अतीत जी कह के बुलाता हो वो बिहार क्या चलाएगा? वो व्यक्ति अपराधियों के और भ्रष्टाचारियों के गोद में पला बढ़ा है, वो व्यक्ति बिहार का हितैषी कभी नहीं हो सकता।